वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत मैं अनुरोध करूंगा श्री मुकुल वासनिक जी से कि वो पटका पहना करके विजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। साथियों, हम लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा से भाजपा के हिसार से लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह जी आज कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं, और मैं अनुरोध करूंगा कि बुके देकर के विजेंद्र सिंह जी का हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस में इनका स्वागत करें। वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत मैं अनुरोध करूंगा श्री मुकुल वासनिक जी से कि वो पटका पहना करके विजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। नहीं, कुछ कहना है क्या? आपको कुछ कहना? मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मुकुल वासनिक जी, श्री माखन जी, श्री दीपक बाबरिया जी, मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया, और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहां पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो, मैं उन पर असहज था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इनके लिए, इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में शामिल होंगे, ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। धन्यवाद। सपोर्टर्स चुनाव आयोग को इस्तीफा देना पड़ गया है बीच चुनाव के पहले, क्या करेंगे? यही तो मैं सोच रहा था कि क्यों ये कलकत्ता में हाईकोर्ट जज ने जब इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होकर दूसरे दिन ही टीएमसी को गालियां देना शुरू किया, तो कैसी मानसिकता जजों की भी है इससे जाहिर होता है। यानी जो जज एक दिन में रेजिग्नेशन देकर दूसरे दिन अपने बीजेपी में ज्वाइन होता है, तो इसका मतलब है कि ऐसे मानसिकता वालों लोगों के लिए उन्होंने बिठाया है हर जगह। तो अब जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन गोयल जी रिजाइन किए हैं, उनका कौन सा रहा है, थोड़ा देर इंतजार करके फिर बोलेंगे उसके ऊपर। देखिए, उसका तो मुकुल जी उसको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमने तो एक अब डीएमके का वेणुगोपाल और मुकुल जी को हमने वहाँ भेजा था, जो
अलायंस के सीट अपने गठबंधन के लिए, तो वहाँ पर हमारा हो गया 10, जो हमारे पहले थे उस 10 को उन्होंने माना है। मैं टीएमसी अपने डीएमके के नेता स्टालिन को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत स्मूथली उन्होंने इसको सुलझाया और सब मिलके काम करना इस पे सहमति बनी। और हमारे जो टीम वहाँ पर गई थी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मिलजुल के इस समस्या को उन्होंने सुलझाया, इसीलिए वो ठीक ठाक हो गए। हर जगह जहाँ भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी हो सकता है किसके साथ भी बिफोर विथड्रॉल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।